नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भगवान राम की तप स्थली के रूप में विख्यात चित्रकूट के रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल स्टेशन के बाहर लगे वाटर कूलर में मरी छिपकली और मेंढक पड़े थे। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आने जाने वाले यात्री इसी वाटर कूलर से पानी पी रहे थे। एक यात्री को जब वाटर कूलर से गंदा पानी मिला तो उसे कुछ शक हुआ। जब उसने कूलर खोल कर देखा तो उसके होश उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज से चित्रकूट पहुंचे एक यात्री प्रभाकर सिंह परिहार जब वाटर कूलर से पानी लेने गए तो उन्हें गंदा और बदबूदार पानी मिला। इसके बाद उन्होंने कूलर खोल कर देखा तो उसमें गंदगी जमी हुई थी। कूलर में मरी छिपकली और मेंढक पड़े थे। इसके बाद उन्होंने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और फिर उस गंदे वाटर कूलर को बदल कर नया वाटर कूलर लगा दिया। यात्रियों का यहाँ पर ये कहना है कि वाटर कूलर को कभी साफ नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में उसमें कीड़े मकोड़े छिपकली और मेंढक पड़े हुए थे। प्यासे यात्री मजबूरी वश इसी पानी का इस्तेमाल भी कर रहे थे। चित्रकूट के स्टेशन प्रबंधक आरसी यादव ने ये बताया कि यात्री की शिकायत किए जाने के बाद वाटर कूलर बदल दिया गया है। अब यात्रियों को एकदम साफ और स्वच्छ ठंडा पेयजल मिल रहा है। वहीं एक कर्मी पर भी यहाँ पर कार्यवाही की गई है।